हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलास लाइफस्टाइल। अ वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आई हैव अ बंगाली चैनल, फिर भी मैं आज ये जो वीडियो शूट करने जा रही हूँ ये हिंदी में कर रही हूँ मैं, और इसका कुछ वजह है वो मैं बताने के लिए अभी मैंने ये शूट किया वीडियो। फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जो कि एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, एंड दे आर नॉन बॉन्ग, मतलब नॉन बंगालीज। तो उन लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उसमें कमेंट्स भी कर रहे हैं, एंड इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करती हूँ कि आज तक जो भी बंगालीज हो या नॉन बंगालीज हो, जो भी दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, लाइक, कमेंट, जो भी किया, थैंक यू सो मच यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। तो कुछ नॉन बंगालीज फ्रेंड है वो मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप हिचकी वाला वीडियो कीजिए। दोस्तों, इसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ नॉट हिचकी, दिस इज़ कॉल्ड स्टैमरिंग। हिंदी में शायद इसे हकलाना बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है ना कि ये मुझ में है, ओके। बाई डिफ़ॉल्ट सिस्टम ये जो हकलाना, ये जो स्टैमरिंग, ये मुझ में है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, ओके। हिचकी इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप अगर वो रानी मुखर्जी वाला वो फिल्म अगर सोच रहे हो तो मैं बोल रही हूँ ये जो है ये अलग है, दिस इज स्टैमरिंग। तो अभी शायद आप लोगों को लगता है, पता नहीं कि दिस इज़ फेक, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि क्यों ये इंसान, क्यों मैं, जो मैं शूट कर रही हूँ उसमें कुछ पार्ट्स ऐसा आता है कि मैं स्टैमर करती हूँ, और उसमें कुछ ऐसा पार्ट्स भी आता है जिसमें आई एम नॉट स्टैमरिंग एट ऑल। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि दिस इज़ इनबिल्ट सिस्टम में है मेरी, ये दिस इज़ नॉट फेक, ओके, दिस इज़ रियल मी। और ये जो मेरी स्टैमरिंग है ये फ्रॉम चाइल्डहुड से ही है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एकदम जब बहुत ही छोटी थी तब नहीं थी, लेकिन थोड़े ग्रो होने के बाद ये स्टार्ट हुआ, एंड टिल नाउ इट इज़ देयर, लेकिन पहले से बहुत कम हुआ। तो मुझे एक्चुअली दोस्त ऐसा लगता है कि यू नो आई हैव टू ऑप्शंस, ओके। एक तो मैं इसको लेके बैठी रहूँ, बोलने में डरूँ, बात कम करूँ और सिंपैथी मांगूँ, एंड नंबर टू इज़ मैं इसी को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो आई चूज़ सेकेंड वन, ओके। इसको मैंने अपना साथी बना लिया ये स्टैमर को, और इसी को लेके ही मैं चल रही हूँ। एंड आई नो के मतलब यार क्या होता है ना कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, आई नो दैट इट्स वेरी नेचुरल। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इस ये स्टैमर को लेके तो बैठे नहीं रह सक सकती ना, तो इसीलिए मुझे इसको लेके चलना ही पड़ेगा, ओके। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो थैंकफुल, अगर ना लगे तो भी मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी आप लोग देख रहे हो, वाट एवर अपना टाइम दे रहे हो मुझे, तो ये इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो दिल से थैंक यू सो मच यू गाइज। लेकिन ये जो है स्टैमर, ये जहाँ तक मुझे पता है कि दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जहाँ तक आई नो,
तो इसमें क्या होता है कि कभी अगर मैं टेंशन में हूँ तो ये आता है, कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा एंग्री हूँ, गुस्सा हूँ या बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ तो आता है, गुस्से में शाउट करने जा रही हूँ तो आता है, और कभी कभी नहीं भी आता है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा कंटिन्यूअस खुद होता है, जैसे अभी भी यू वाचिंग गाइस, कि कभी कभी हो रहा है एंड समटाइम्स नहीं भी आ रहा है। तो वाट एवर, इसीलिए मैं स्पेशली हकलाते हुए, स्टैमर करते हुए आई कैन मेक स्पेसिफिक वीडियोज़ मैं बनाती जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि हर बार अच्छा अच्छा मैं कुछ करके दिखाऊँ। मैं खुद भी अपने मतलब इसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये नेचुरल है फॉर मी कि समटाइम्स ये स्टैमर आएगा एंड समटाइम्स नहीं भी आएगा। तो आप लोगों ने जो भी मुझे ये क्वेश्चन किया या वट एवर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, थोड़ा से मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर थ्रो करते हुए पोक किया, तो मैं उन सबको ये बता दूंगी कि दिस इज़ रियल मी, मेरे में ये स्टैमर है। अभी 24/7 तो नहीं है, पर है, आ जा जाता है। आई कैंट हेल्प इट गाइस, अगर ना होता तो मैं खुद सबसे ज़्यादा खुश होती। मतलब आई हेट माई दिस स्टैमर एंड दिस स्पेक्स, बट क्या कर दे, आई हैव टू बी एट दिस थिंग्स विथ मी। सो मैं उसके लिए स्पेसिफिक तो कुछ नहीं कर सकती। मैं जो भी बनाऊंगी, आप लोग देख रहे हो, ये दिस इज़ वेरी मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। और मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों के, मतलब बीइंग अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, आई नो के मुझे बहुत कुछ सीखना आया है। मैं हर एक डे, हर एक वीडियो से सीख रही हूँ कुछ ना कुछ। मैं कोशिश कर रही हूँ और भी अच्छा बनाऊँ, बेहतर बनाऊँ। एंड यू नो गाइस, कि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास लाखों व्यूज़ हो, सब्सक्राइबर्स हो, उनको अगर कोई पर्टिकुलर एक सब्सक्राइब करे, एक व्यू दे या ना दे, शायद उनके लिए उतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैं एंड लाइक मी, जो न्यू न्यू कंटेंट क्रिएटर है या जो भी हो, इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, जो भी हो जो लाइफ में स्ट्रगल कर रही है या कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ही स्ट्रगलिंग टाइम में ना, जो एक एक भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज देते हैं, मतलब चाहे आप उसको जानो या ना जान पढ़ सुनाली, फिर भी वो लोग साइलेंटली आपका साथ दे रहे हैं। तो दोस पीपल आर क्लोज टू माई हार्ट, कि जो मेरे इस स्ट्रगलिंग टाइम में मुझे एक सब्सक्राइबर दे के, मुझे एक व्यू दे के या कमेंट दे के, मुझे चाहे कमेंट वॉट एवर, चाहे कुछ अच्छा हो ना हो, आई जस्ट डोंट केयर, ओके, राइट नाउ एटलीस्ट। लेकिन ये जो आप लोग दे रहे हो ना टाइम, इसमें मैं कितना मतलब खुशी है ना, मैं बता नहीं पाऊंगी सचमुच। तो इसीलिए मैं एकदम दिल से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टू माई बंगाली फ्रेंड्स, टू माई नॉन बंगालीज फ्रेंड, वाट एवर, टू माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, जो लोग व्यूज दे रहे हैं। ओके, तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ कीजिए, मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये चैनल थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाए, इतना मैं प्रॉमिस करूँगी कि मैं कुछ अच्छा दूँ। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ नई नई चीज़ सीखने की, दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, तो इसीलिए मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है।
सीख सीख के मैं खुद शूट करती हूँ, मैं अकेली खुद एडिट करती हूँ, मैं कंटेंट ढूंढती हूँ। तो ऐसे मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये चैनल मेरा थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो इसीलिए आप लोग जो भी साथ दे रहे हो मुझे सब्सक्राइब करके, व्यूज़ देके, तो उन लोग दे आर ऑलवेज इन माय हार्ट्स। एंड जहाँ तक मेरी स्टैमर की बात है तो दोस्तों मैं तो कुछ नहीं कर सकती अलग से, दिस इज़ विथ मी, दिस इज़ इन मी, इन बिल्ट सिस्टम है इस ये मेरी, तो मैं इसी को लेके ही मैं साथ चलती हूँ। आई डोंट थिंक आई मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि मैं ये स्टैमर को लेके घर में बैठी रहूँ या बात कम करूँ, बिल्कुल नहीं। और जहाँ तक कमेंट्स की बात है, आई एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर सोशल मीडिया में आई हूँ, इसमें कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा और नेगेटिव वाला कमेंट फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियलिटी। सो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग्स, इसीलिए मैंने आज ये बनाया, इसीलिए मेरा बंगाली चैनल होते हुए भी मैंने हिंदी में ही बनाया, ताकि वो बंगाली जो फ्रेंड्स है यूट्यूब में वो लोग समझ सके। होप कि आप लोगों का जो भी मन में क्वेश्चंस था अबाउट माई स्टैमरिंग तो वो मतलब क्लियर हो गया है। So thank you so much. Thanks for watching my videos. Tata. Bye bye.